नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनीषा भरानी है और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ मैगी मसाला रेसिपी। ये मैगी की रेसिपी बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल इंडियन रेसिपी है और जो बहुत ही डिलीशियस और यमी है। तो चलिए मैगी मसाला रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मसाला मैगी बनाने के लिए मैंने लिया है 2 टेबल स्पून ऑयल। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 छोटा प्याज कटा हुआ और 1 छोटा कैप्सिकम। इसमें हम हल्का सा नमक डाल देंगे और इसको हम फास्ट गैस के ऊपर कुक करेंगे। हमें प्याज को ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ ट्रांसपेरेंट ही करना है। 1 मिनट के अंदर ये प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। हमारा प्याज ट्रांसपेरेंट हो चुका है तभी मैं इसमें एक बड़ा साइज़ का मैंने टमाटो लिया है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। आँच को एकदम धीमा कर दीजिए। 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, मेरा कश्मीरी लाल मिर्च है इसके लिए 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ा तीखा कम होता है। और ये जो मैगी का मसाला है वो हम 2 पैकेट डालेंगे। टमाटर भी सॉफ्ट हो चुका है। अभी मैं 2 कप 200 ml इसमें पानी डाल रही हूँ। इसको हम फास्ट गैस के ऊपर कुक करेंगे। पानी डालने के बाद में मैंने ये 1 पैकेट मैगी लिया है, इसको मैं तोड़ के ऐसे डाल देती हूँ और इसको हम कुक करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं मैगी कुक हो चुकी है और बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। जब आप हल्का सा ऐसे दिख रहा है थोड़ा पानी, तभी हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून मेयोनीज। अभी हम सारी सामग्री को अच्छे से मिला लेंगे। आँच को मैं बंद कर रही हूँ। हमारी स्ट्रीट स्टाइल मैगी मसाला रेसिपी बनके तैयार है। आप इसे बनाएं और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।